हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पीटी सेट 5 का वीडियो लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने पीटी सेट 4, 3, 2, 1 के वीडियो नहीं देखे हों तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? ए कथा वस्तु से, बी अग्नि पुराण से, सी कल्प सूत्र से या डी विष्णु पुराण से। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कल्प सूत से प्राप्त होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी द्रविड़ शैली और डी वेसर शैली। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों, यस दोस्तों इसका सही आंसर है द्रविड़ शैली जो कहलाती है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया जाता है? बताइए दोस्तों, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया जाता है? ए जन को, बी सभा, सी ग्राम या डी विश। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया जाता है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश को कहा जाता है, वैदिक युग में ग्राम समूह को विश कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा बौद्ध धर्म में किस घटना का प्रतीक था? बताइए दोस्तों, जो घोड़ा है वो बौद्ध धर्म में किस घटना का प्रतीक था? ए ज्ञान का, बी गृह त्याग का, सी जन्म का या डी मृत्यु का। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि घोड़ा जो था वो बौद्ध धर्म में किस घटना का प्रतीक था। यस दोस्तों इसका सही आंसर है गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ए महेंद्र वर्मन, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी सिंह विष्णु या डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है सिंह विष्णु जो हैं वो पल्लव वंश के संस्थापक हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनाया था? बताइए दोस्तों कि लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? ए बहादुर शाह जफर, बी अकबर द्वितीय, सी अहमद शाह या डी शाहजहां ने। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था। यस दोस्तों इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर ने लाल किला स्थित हीरा महल बनवाया था, इसका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ? बताइए दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है डूरंड सीमा रेखा है वो किस वायसराय के समय हुआ था? ए लॉर्ड लैंसडाउन, बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डफरिन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए लॉर्ड लैंसडाउन जो थे उस समय वायसराय थे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का कौन वायसराय था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लैंसडाउन या डी लॉर्ड डफरिन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यस दोस्तों इसका सही आंसर है डी लॉर्ड डफरिन जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उसके वायसराय थे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कहां पर हुआ? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कहां पर हुआ? ए मद्रास, बी लाहौर, सी पुणे या डी इलाहाबाद। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है सी पुणे में हुआ था 11वां अधिवेशन। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? बताइए दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी लाला लाजपत राय, सी जवाहरलाल नेहरू या बी अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए पॉलीहाइड्रोजन, बी पॉलीनाइट्रोजन, सी पॉलीएथिलीन या डी पॉलीक्लोरीन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है पॉलीएथिलीन जो गैस होती है वो प्लास्टिक के जलने से निकलती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल होना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी जैविक परिवर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल रंग होना। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ए भौतिक परिवर्तन है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल रंग होना। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये यौगिक लिखा है, फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ए सिल्वर क्लोराइड का, बी सोडियम सल्फेट का, सी सिल्वर ब्रोमाइड का या डी इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में फिल्म पर। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ए अखरोट, बी बादाम, सी काजू या डी तेल। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, सी काजू जो है थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा नहीं पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। बताइए दोस्तों इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? ए गन्ना, बी शहद, सी दूध या डी नारंगी। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, इसका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा? ए आ प्लस भिन्न, बी बड़ा प्लस भिन्न, सी आ प्लस भिन्न, डी आ ओ भिन्न। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ए आ प्लस भिन्न जो है इसका सही संधि विच्छेद है, छोटा आ प्लस भिन्न। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गगत में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। बताइए दोस्तों स्वर्गगत में कौन सा समास है? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास जो है वो स्वर्गगत में है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोधर का अनेकार्थी क्या है? पायोधर का अनेकार्थी क्या है? बताइए दोस्तों ए आँख, बी सोना, सी स्तन या डी चंदन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी स्तन जो है वो पायोधर का अनेकार्थी शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? ए विशिष्टि, बी वृष्टि, सी समष्टि या डी परलय। बताइए दोस्तों सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है डी परले जो है वो सृष्टि का विलोम शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए दोस्तों संरचना शब्द के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? ए उद्भावना, बी प्रशून, सी विरचित या डी मुकुल। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए दोस्तों। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है उद्भावना जो है वो संरचना शब्द की पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीमा योग अथवा अनिश्चित जोखिम है? बताइए दोस्तों ए बाढ़, बी प्रचलन में परिवर्तन, सी आग, डी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बिना बीमा योग अथवा अनिश्चित जोखिम है? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ए बाढ़ जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे? बताइए दोस्तों स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? ए असीमित वेद मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, बी स्वर्ण का मुक्त टंकण, सी स्वर्ण मूल के माप के रूप में, डी स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए दोस्तों। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी स्वर्ण मूल के माप के रूप में स्वर्ण बुलियन मान होता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशासी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं? बताइए दोस्तों ए अधिमान्य विधान, बी कानून का शासन, सी प्रत्यायोजित विधान, डी प्रशासन विधि प्रशासनिक विधि। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी
प्रत्यायोजित जो विधान है वो अधिशासी द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकोनोमिया शब्द का अर्थ, सॉरी ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ बताइए दोस्तों क्या है। ए घरेलू प्रबंधन, बी व्यक्तिगत प्रबंधन, सी राजनीतिक प्रबंधन या डी राजकोषीय प्रबंधन। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे दोस्तों इसका सही आंसर है ए घरेलू प्रबंधन को ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है, घरेलू प्रबंधन इसे कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया बताइए दोस्तों। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया, फ्रांसीसी, बी जर्मन, सी अंग्रेजी या डी यूनानी। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है यूनानी जो है, यूनानी शब्द से अर्थशास्त्र शब्द लिया गया है, यूनानी शब्द इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग तिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएँ किसमें शामिल है बताइए दोस्तों। नाग तिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएँ किसमें शामिल हैं। ए निम्न हिमालय, बी अधो हिमालय, सी पार हिमालय या डी उच्च हिमालय। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए निम्न हिमालय में नाग तिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएँ शामिल हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती हैं बताइए दोस्तों किस दिशा में उड़ती हैं। ए पश्चिम से पूर्व की दिशा में, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर या डी पूर्व से पश्चिम की ओर। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती हैं। यस दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवनें। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है बताइए दोस्तों। केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। ए मैग्रोव वन, बी अल्पाइन शंकुधारी वन, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या डी पर्णपाती वन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है केरल की नीरो घाटी में स्थित वन जो है वो अल्पाइन शंकुधारी वन है, इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है। ए पालनी पहाड़ियों में, बी सहाद्री पहाड़ियों में, सी नीलगिरी पहाड़ियों में या डी पूर्व घाटी में। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में अन्नामुड़ी शिखर स्थित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्निया ग्रीस श्रृंग का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा किया जाता है। ए हिमन द्वारा, बी नदी द्वारा, सी समुद्री तरंग द्वारा या डी पवन द्वारा। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि हार्न व ग्रीस श्रृंग का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा किया जाता है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए हिमनद द्वारा हार्न या ग्रीस श्रृंग का निर्माण किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पर दोस्तों बताइए। ए विधानसभा में, बी पंचायती राज संस्थाओं में या सी मंत्रिमंडल में या डी लोकसभा में। बताइए दोस्तों कहाँ पर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है विधानसभा में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी कानून मंत्री द्वारा या डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें बनाए रखता है या कथन किसका है बताइए दोस्तों। ए मैकाइवर का, बी मैकियावेली का, सी लास्की का या डी जे एस मिल का। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों ये कथन किसका है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है सी लास्की ने कहा है कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है बताइए दोस्तों। कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी लोकतंत्र या डी सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है वो प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है, इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए दोस्तों। प्रमुख कार्य जो क्या करता है। ए नियम कानूनों को अधिनियमित करना,
बी न्यायिक मामलों को क्रियान्वित करना, सी कानूनों को कार्यान्वित करना, या डी केंद्रीय प्रशासन। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, नियम कानूनों को अधिनियमित करना है विधानमंडल का प्रमुख कार्य। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग क्वेश्चन अप्रोप्रिएट इंडियन मेसेसेस आर, इसे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ला अबेंडिंग, बताइए दोस्तों, आ बाई फेयर, बी बाई एनी मीन्स, सी बाई एनी लार्ज बाई एंड लार्ज, डी फेयर एंड अवे। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। यस दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, बाई एंड लार्ज जो है इंडियन मेसेस आर ला अबेंडिंग का है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ल्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बताइए दोस्तों, इबुलियंट का है ए माइंडलेस, बी हार्टलेस, सी स्पिरिटलेस, या डी सोललेस। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपोजिट वर्ल्ड कौन सा। बताइए दोस्तों, यस दोस्तों, इसका सही आंसर है माइंडलेस जो है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, अ ग्रामेरियन, बी इटोमोलॉजिस्ट, सी पोलियो गोल्फ, या डी इंथेनोलॉजिस्ट। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों, इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है पोली ग्लॉफ जो होता है वो, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, रीड चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन वर्ड्स। सरप्रेस का है आर रिवील, बी इंक्रीज, सी ओपन, डी एक्सप्लेन। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है ए रिवील जो है वो, इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नॉट कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस, आ होनेस्ट, बी रेडीमेड, सी सिंपल, या डी अंडर स्टेबल। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइडम ऑफ फेजेस के क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, आइडम ऑफ फेजेस कहाँ है। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी सिंपल। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27, 25, 256, 289 के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों, ए 361, बी 328, सी 324, या डी 432। बताइए दोस्तों। यस दोस्तों, इसका सही आंसर है सी 324, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, इसका सही है। इसके बाद जो सीरीज आएगी वो 324 होगी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एफ जे एन के बाद को के ओ एस डब्ल्यू, फिर डी एच एल पी। दोस्तों इसमें देखेंगे कि कौन सा रेशियो सही है। तो देखते हैं कि बी और के बीच 9 है, फिर एफ और ओ के बीच भी 9 है का गैप है, इसके बाद ही आता है जे और एस के बाद भी 9+ आता है, तो जो भी बनेगा वो 9+ के रूल्स पे बनेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए एम क्यू यू वी जो है, इसका ए ऑप्शन सही है, प्लस 9 के रूल्स पे बनेगा। डी से प्लस 9 करके जो बनेगा वो एम आएगा, फिर एच के बाद प्लस 9 करके क्यू आएगा, फिर एल का प्लस करके यू आएगा, और पी का प्लस 9 करके वाई आएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में चुने गए अन्य तीन विकल्प से भिन्न है। बताइए दोस्तों, ए प्रतिद्वंदी, बी प्रतिपक्षी, सी शत्रु, या डी मित्र। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों मित्र। दोस्तों इसका सही आंसर है मित्र, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी और शत्रु ये एक साइड है और मित्र जो है वो सबसे अलग है। इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बना जा सकता। ऑप्शन है इनक्रिएश, आई एन सी ए आर सी ई आर ए टी आई ओ एन से। बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, आर है, ई है, फिर एल है, लेकिन दोस्तों इसमें देखिए कि इनमें एल नहीं है, इसी वजह से ये शब्द नहीं बना जा सकता दोस्तों, इसलिए ये ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबरहुड से कौन सा शब्द नहीं बना जा सकता। बताइए दोस्तों, नेबरहुड से कौन सा शब्द नहीं बना सकता। ए ब्रांड, बी हॉनर, सी रफ, या डी ग्राउंड। बताइए दोस्तों। यस दोस्तों, देखते हैं कि ब्रांड शब्द नहीं बना जा सकता, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें जो ए आया है वो इसमें नहीं है, इसकी वजह से ये ब्रांड नहीं बना जा सकता। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है बताइए दोस्तों। ए कठपुतली नृत्य, बी चरकुला नृत्य, सी मयूर नृत्य या डी रासलीला, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों। यस दोस्तों इसका सही आंसर है कठपुतली नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से केवल चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों। ए चिकन करी, बी राबारी, सी सोजनी या डी कांथा, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है चिकन करी के नाम से की कढ़ाई से की शैली की वजह से उत्तर प्रदेश जो है वो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है किछोछा शरीफ की दरगाह इस राज्य के किस जिले में बताइए दोस्तों। किछोछा शरीफ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस राज्य जिले में, ए अम्बेडकर नगर, बी संत कबीर नगर, सी सुल्तानपुर या डी मिर्जापुर, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है अम्बेडकर नगर में किछोछा जो है वो है शरीफ की दरगाह है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। ए मेरठ, बी लखनऊ, सी कानपुर या डी झांसी, बताइए दोस्तों। यस दोस्तों इसका सही आंसर है मेरठ में स्थित है जंग ए आज़ादी पार्क। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है बताइए दोस्तों। ए जैसलमेर, जलेशर, बी शाहजहाँपुर, सी मुजफ्फरपुर या डी मेरठ, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है जलेशर जो है वो उत्तर प्रदेश का शहर है जो फेमस है अपने कास्ट बेल के लिए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, ए पत्रकारिता से, बी खेल संपादकीय से, सी साहित्य संबंधी लेखन से या डी सिनेमा कला से, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए पत्रकारिता से गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है, ए 25 फरवरी, बी 25 मार्च, सी 25 जनवरी या डी 25 अगस्त, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है, 25 जनवरी इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए दोस्तों। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ए नीदरलैंड, बी इटली, सी कनाडा या डी स्पेन, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है नीदरलैंड में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताइए दोस्तों। ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी लखनऊ या डी दुर्गापुर, बताइए दोस्तों केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताइए दोस्तों। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कहाँ पर है दोस्तों। यस दोस्तों इसका सही आंसर है डी दुर्गापुर में केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर स्थित है, ए बिहार में, बी गुजरात में, सी उत्तराखंड में या डी उत्तर प्रदेश में, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर ए बिहार में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण स्थित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के बाद 2731 करोड़ रुपए तक उधार लेने की अनुमति दी है, ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी मणिपुर, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी इसका सही है, राजस्थान को दिया गया है अनुमति उधार लेने के लिए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा थोम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी मणिपुर या डी बिहार, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों। यस दोस्तों इसका सही आंसर है मणिपुर, इसका सही आंसर सी ऑप्शन मणिपुर है इसका सही आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड 19 टीकाकरण का ड्राई रन शुरू किया गया था बताइए दोस्तों। कब शुरू किया गया था, ए 2 जनवरी 2021, बी 9 जनवरी 2021, सी 8 जनवरी 2021 या डी 20 जनवरी 2021, बताइए दोस्तों चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 2 जनवरी 2021 को ड्राई रन शुरू किया गया था कोविड-19 के खिलाफ। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो भारत के मानव आंतरिक मिशन गगनयान के ग्रीन पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा बताइए दोस्तों।
1 दिसंबर 2021, B दिसंबर 2023, C अक्टूबर 2021, Z नवंबर 2022। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों, यस दोस्तों इसका सही आंसर A दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया जाएगा। चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस शहर में पहली चावल मशीन या चावल राइस ATM को स्थापित किया जाएगा या केंद्र सरकार की परियोजना अन्नपूर्ति का एक भाग है। बताइए दोस्तों वो कौन सा शहर है। यस दोस्तों बताइए, यस दोस्तों इसका बताइए कि A बेंगलुरु, B मैसूर, C हुगली, D इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलुरु में शहर में ATM मशीन को स्थापित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को क्या गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है। बताइए दोस्तों 9वां, B 10वां, C 8वां या D 12वां। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 8वां जो है वो गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कार्यक्रम शुरू हुआ है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने गंदे और बदहाल पड़ी शौचालय की पहचान और जियो टैग कराने के लिए स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। बताइए दोस्तों ये किसने शुरू किया है। A योगी आदित्यनाथ ने, B राजनाथ सिंह ने, C अमित शाह ने या D थावरचंद गहलोत ने। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है थावरचंद गहलोत ने। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की प्रकृति में बदलाव किया। बताइए दोस्तों राष्ट्रगान की प्रकृति में बदलाव किया है। A बांग्लादेश, B कनाडा, C स्विट्जरलैंड या D ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। बताइए दोस्तों, यस दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान की प्रकृति में बदलाव किया है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने घोषणा की कि RODTEP निर्यात उत्पाद शुल्क और कर की छूट के लाभ को सभी वस्तुओं के लिए बढ़ाया जाएगा। A बांग्लादेश, B भारत, C नेपाल या D श्रीलंका। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है भारत ने ये लाभ की सभी वस्तुओं को बढ़ाया जाएगा भारत में। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी 13वीं सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत सरकार किस नदी पर किया जाएगा। बताइए दोस्तों भारत सरकार द्वारा किस नदी पर किया जाएगा। A गंगा नदी, B गोदावरी, C नर्मदा या D कृष्णा। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस नदी पर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है C नर्मदा पर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा तैरते हुए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट खाद प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है। इस पेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। A राजनाथ सिंह, B अमित शाह, C योगी आदित्यनाथ या D नितिन गडकरी। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा कि ये पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए दोस्तों, यस दोस्तों इसका सही आंसर है D नितिन गडकरी द्वारा ये पेंट लॉन्च किया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मपुत्र मुकुता नामक नदी क्रूज का उद्घाटन किया है। A बिहार में, B पश्चिम बंगाल में, C असम में या D मेघालय। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है असम ने में ये ब्रह्मपुत्र मुकुता नामक नदी क्रूज का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा CPI सेटेलाइट नेटवर्क प्रशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। बताइए दोस्तों A मेरठ में, B फरीदाबाद में, C कानपुर में, D झांसी। बताइए दोस्तों कहाँ पर किया गया है। यस दोस्तों इसका सही आंसर है B फरीदाबाद में किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। बताइए दोस्तों A 6 जनवरी को, B 8 जनवरी को, C 12 जनवरी को या D 13 जनवरी को। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है 6 जनवरी को भारत मानक ब्यूरो का 74वां स्थापना दिवस बनाया गया है। चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अपडेट गद्यांश है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, गद्यांश का सही शीर्षक है। बताइए दोस्तों ये जो ऊपर गद्यांश है, अपडेट गद्यांश है, इसका क्या शीर्षक सही होगा। A राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, B राष्ट्रीय सुख शांति, C राष्ट्रीय अभिमानी या D राष्ट्रीय महत्व। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा कि इस गद्य का सही शीर्षक क्या होगा।
बताइए दोस्तों, यस इसका सही शीर्षक है सी, राष्ट्राभिमानी जो है इसका सही शीर्षक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधीन राष्ट्र को बैठता है, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। पराधीन राष्ट्र को बैठता है अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना, सी अपनी समृद्धि, या डी अपनी न्याय चेतना। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है अपनी समृद्धि इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति प्रेरित करती है, ए अनुचित का निवारण करने के लिए, बी अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, सी अन्याय हेतु लड़ने के लिए, या डी पराधीनता के युद्ध करने हेतु। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, अन्याय हेतु लड़ने के लिए देशभक्ति प्रेरित करती है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये हमारा अनसीज पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट कर खींच लीजिए, जिससे इस रिलेटेड जो मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। बताइए दोस्तों ए वन इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन द अदर, वन इज़ मोर एडवांस देन द अदर, वन इज़ मोर कॉस्टली देन द अदर, या डी वन इज मोर क्रूशियल देन द अदर। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा कि ये वन इज मोर सिग्निफिकेंट देन द अदर होगा, या वन इज मोर एडवांस देन द अदर होगा, या वन इज मोर कॉस्टली देन द अदर होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वन इज मोर कॉस्टली देन द अदर, इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ए कॉस्ट, बी प्रॉफिट, सी कैपिटल, डी लॉस। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा कि इसका क्या आंसर होगा। बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है कैपिटल, इसका सही आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड ए इज क्रूशियल टू द कंटिन्यूएस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ए बी ब्रिंगिंग अबाउट स्पीडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपलिफ्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनक्रेज मल्टीनेशनल कॉपरेशन। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा। यस दोस्तों इसका सही आंसर है ए इज क्रूशियल टू द कंटिन्यूएस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका सही आंसर है। दोस्तों इन 75 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।